हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस आर जंक्शन दोस्तों की वर्ल्ड। इस वीडियो में है 10th क्लास का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स 10th क्लास। सो स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का। इसके अंदर क्या है, कंज्यूमर, जैसे हमने कहा कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें अपने देश का बिजनेस यानी अपनी कंट्री का बिजनेस और मार्केट दूसरी कंट्री के साथ इंटरेक्ट करवा देते हैं या फिर मिक्स करा देते हैं, ठीक है। कंज्यूमर इन टुडेज वर्ल्ड हैव सम ऑफ अस हैव ए वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आज के टाइम में कंज्यूमर के पास क्या है, बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज की चॉइस होती है। मार्केट के अंदर हम जाते हैं, बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं, अलग अलग कंपनी के, अलग अलग देशों के ब्रांड्स होते हैं, एक ही सेंटर टेबल पे ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमरा लेना हो, मोबाइल फ़ोन लेना हो, टीवी लेना हो, ये सारी चीज़ें कहते हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनी होती है वर्ल्ड में और कहते हैं हमारे पहुँच में है यानी हम लोग को मिलती है। एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स। ये रोड के ऊपर बहुत सारी नई नई गाड़ियाँ वगैरह मिल जाती है हर सीज़न में। गोन आर द डेज वेन द एम्बेसडर एंड फीएट्स वर ओनली कार इन इंडियन रोड्स। इंडिया की रोड पे कहते हैं नई नई चीज़ें मिलती हैं इसमें। इंडियंस आर बाइंग द कार प्रोड्यूस बाय नियरली ऑल टॉप कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। कहते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड में सारी चीज़ें मिलती हैं आज के टाइम में और दे आर सीन फॉर मैनी अदर सम शर्ट टेलीविजन टू प्रोसेस्ड फ्रूट्स, फ्रूट जूस वगैरह कुछ भी लेना हो तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। सच वेराइटी ऑफ रेंज ऑफ चॉइस ऑफ गुड्स इन आवर मार्केट इज़ रिलेटिवली रिसेंट फिनोमेना। आज के टाइम में कहता है हमारी मार्केट चॉइस है, जो भी हम चाहें वो खरीद सकते हैं, अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग सारे ब्रांड्स हैं। यू वुड नॉट हैव फाउंड सच ए वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स इन इंडियन मार्केट इवन 2 decades बैक। अगर 20 साल पहले की बात करें आज से तो ऐसा नहीं होता था, बहुत सारे देश में बिजनेस ही नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें जो अब चल रही है मार्केट में पहले थी ही नहीं, ठीक है। 2-4 चीज़ें लिमिटेड होती थी, उसी में से खरीदते थे, ब्रांड्स कपड़े के, खाने पीने के, तो वही सब चीज़ें चलती थी। इन द मैटर ऑफ ईयर कहते थे मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म। आज के टाइम में मार्केट बहुत बदल गई है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आए, ऐसे कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से ये चेंज हो गया। मार्केट में इतने ब्रांड्स आ गए, इतनी विदेशों की कंपनियाँ इंडिया में आ गई और यहाँ की कंपनी का सामान बाहर बिक रहा है, तो ऐसा क्या हुआ। जो भी काम करती है उस कंपनी को कहते हैं, देखो एक देश में काम करने वाली कोई कंपनी है, अगर उसका बिजनेस 2-4 देशों में फैल जाए तो वो मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती है, ठीक है। अंटिल मिडिल 20th century में प्रोडक्शन बहुत होता था लेकिन कंट्री के अंदर ही होता था, यहीं बिकता था, यहीं सामान खरीदते थे लोग। क्रॉस द बाउंड्रीज बिजनेस तब फैला जब रॉ मटेरियल स्टफ कहते हैं अंग्रेजों के थ्रू ले जाया गया, ठीक है। दूसरा ये था कि जब गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी तब ये बिज़नेस एक्सपेंड हुआ। तो कॉलोनियल सच एज इंडियन एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल, अंग्रेज लोग आए, उन्होंने एक पॉलिसी चलाई कि भाई यहाँ से सामान लेके दूसरे देश में भेज देते थे बना के अपने वहाँ से, फिर यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू करवा दिया, फिर सामान यहाँ बना बनाया यहाँ पर बेचते थे कुछ दूसरे देशों में। ट्रेड वाज मेनली चैनल फॉर कनेक्टिंग डिस्टेंस कंट्री, दिस वाज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल, और इन्हें कहा जाता है मल्टीनेशनल कंपनी। MNC emerged on the scene. MNC is a company that owns or controls the production in more than one nation. एक मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जो एक देश से ज़्यादा में अपना बिजनेस प्रोडक्शन चलाती है। MNC set up office and factory. ये लोग क्या करते हैं, ऑफिस बनाते हैं, फैक्ट्री सेटअप कर लेते हैं एंड गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज, ठीक है, इन द कंट्री। कंट्री के अंदर सस्ते में ज़मीनें खरीद लेते हैं, वहाँ बिल्डिंग बना दी, ऑफिस बना दी, प्रोडक्शन यूनिट्स यानी कंपनी ही बना दी जहाँ सामान तैयार होगा, फैक्ट्री वगैरह, और उसके बाद ये लोग चीप लेबर लेके बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, यानी सस्ते में इनको लोग मिल जाते हैं। अगर अपने देश के भेजेंगे तो ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, यहीं के लोग, जैसे इंडिया में आई कंपनी इंडिया में ज़मीन खरीद के प्रोडक्शन प्लांट लगा दिया तो यहीं के लोगों को नौकरी भी दे दी और सस्ते में पड़ते हैं वो लोग, और यहीं के लोग बिज़नेस करवा देते हैं क्योंकि यहीं की पब्लिक यहीं को बिकवाएगी सामान, तो यही होता है। दिस इज़ डन सो डैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो एंड MNC गेट्स ग्रेटर प्रॉफिट, ये इसलिए होता है ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC, लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, ये जैसे हमने कहा यूनाइटेड स्टेट्स में ये क्या करते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी चाइना में,
वहाँ से सामान बनता है यूनाइटेड स्टेट्स में जा रहा है अमेरिका में, और उसके बाद फिर दूरी दूरी जो भी देश इनको ऑर्डर देते हैं वहाँ भेज देते हैं। तो मैक्सिको में भी जा रहा है, यूरोप में भी जा रहा है, इंडिया में भी आ रहा है। जैसे एप्पल है आईफोन चाइना में असेंबल होता है, और उसके बाद नहीं बनता चाइना में, मैन्युफैक्चरिंग होती है और असेंबलिंग उसी कैलिफोर्निया में होती है अमेरिका में, उसके बाद फिर ये बेच देते हैं सब जगह पर। फिर प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं पर असेंबलिंग होती है और बिकते कहीं और हैं। तो यही है मल्टीनेशनल कंपनी और ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट कि एक देश का बिजनेस दूसरे देश में भी चल रहा है, मार्केट एक्सपेंड हो जाती है, कंज्यूमर्स कई गुना बढ़ जाते हैं। हाँ, बिकॉज इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड एक्सपेंड, इट हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग द मार्केट एंड आर देयर फॉर रिजल्ट्स इन ग्रेटर प्रॉफिट्स एंड डेवलपमेंट। अब MNCs ओनली सेलिंग द फिनिश गुड्स एंड ग्लोबली वर इम्पोर्टेंट। कहते हैं कि क्या मल्टीनेशनल कंपनी गुड्स ही बेचती हैं? हमने कहा नहीं, सर्विसेज भी होती हैं, मल्टीनेशनल सर्विसेज भी होती हैं। जैसे बहुत अच्छा इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट सर्विस हो गई, सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी सब सर्विसेज में आते हैं। कोई बड़ी बाहर की कंपनी है, इंश्योरेंस करने आ गई इंडिया के अंदर, बैंकिंग कोई है बाहर के देश है, बैंक यहाँ भी खोल दिए, तो लोगों को सर्विस देते हैं ये लोग। प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजिंग इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे। कहते हैं प्रोडक्शन के साथ साथ सर्विस भी देते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट एंड स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। ये प्रोडक्शन को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके पूरी दुनिया में फैला देते हैं। चाइना ने जैसे हमने कहा एडवांटेज ली, उन्होंने चीप मैन्युफैक्चरिंग खोल ली, चाइना के अंदर सबसे सस्ता सामान बन सकता है तो उन्होंने बना डाला, और कहते हैं लोकेशन अपने यहीं रखी। उसके बाद मैक्सिको यूरोप सब जगह पे सामान बेचने लगे, क्योंकि दूसरी मार्केट्स इनसे ज़्यादा महंगा सामान बनाती थी और लोगों ने ऑर्डर इनको देना चालू कर दिया, क्योंकि इनके यहाँ पर सस्ता था। जो चीज़ वो 100 रुपये की बनती है ये लोग 50-60 रुपये में बना देते थे। तो चीप मैन्युफैक्चरिंग की वजह से दूसरे देश की मार्केट पे भी फ़र्क पड़ा, बिजनेस पे भी फ़र्क पड़ा, इसलिए चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पे वर्क करा। इंडिया कहता है हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स होते हैं इंडिया के अंदर, टेक्निकल एस्पेक्ट्स प्रोडक्शन के समझ जाते हैं, और एजुकेशन इंग्लिश स्पीकिंग यूथ जो होते हैं वो कस्टमर केयर सर्विस के काम करने लगते हैं। तो कुछ लोग इंजीनियर बन गए, कुछ कस्टमर केयर सर्विस का काम कर लेते हैं। तो 50-60% पैसा किसका बचता है? MNC का। मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आती है, बिजनेस करती है, यहीं के लोगों को नौकरी देती है कम पैसों में, और उन मतलब वहाँ की करेंसी के हिसाब से यहाँ की तनख्वाह कुछ नहीं है, कम है, तो वहाँ उनको फ़ायदा हो जाता है, उनका 50-60% कॉस्ट सेविंग हो जाती है। एडवांटेज ये है कि प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर, मल्टीनेशनल कंपनी कैन ट्रूली इमेंस। MNC बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, फ़ायदा है इसके साथ, जो भी लोकल बिजनेस जुड़ता है उसको प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि उसकी ऑर्डर और सेल में कोई कमी नहीं होती कभी। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, मल्टीनेशनल कैसे जोड़ती है, ये क्या क्या करते हैं? तो पहला स्टेप में लिखना है MNC सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट। जहाँ देश में बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी प्रोडक्शन सेटअप कर लेती है। इफ़ देयर इज़ ए स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, अगर किसी जगह पे इनको लेबर सस्ती मिलती है तो ये उसका भी सर्वे करते हैं, फिर उस हिसाब से ये लेबर रखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ एश्योर्ड, इनके यहाँ पर ये दूसरे फैक्टर्स को भी ध्यान रखते हैं, जैसे सर्विस हो गई, मार्केट है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ों के फैक्टर्स भी ध्यान रखती है। अगर इन्हें मशीनें सस्ती पड़ती है तो मशीन लगा देते हैं, पब्लिक सस्ती पड़ती है जैसे लेबर रख लिया तो वो उससे काम करा लेंगे। तो हर तरीके का सर्वे करती है MNC काम खोलने से पहले। उसके बाद कहते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ये ध्यान में रखती है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कहा है कि इतना आपको सोशल सर्विस करनी है या फिर इस तरीके का बिजनेस करना है, रूल्स के हिसाब से करते हैं लोग। MNC सेटअप फैक्ट्री एंड ऑफिस फॉर प्रोडक्शन, MNC क्या करती है, सेटअप करती है ऑफिस और फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए, और मनी इज स्पेंड ऑन बाइंग एसेट एज लैंड बिल्डिंग मशीन एंड अदर इक्विपमेंट, इट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जिस जो खर्चा फ्यूचर अर्निंग दे, ऐसा एक्सपेंस जो फ्यूचर अर्निंग में मदद करेगा वो इन्वेस्टमेंट होती है, और ऐसा खर्चा जो कोई मदद नहीं करेगा, मतलब जिसको करने के बाद आपको फ्यूचर में उस चीज़ से कोई बेनिफिट नहीं होना, तो वो होता है एक्सपेंस, खर्चा। ठीक है, तो जैसे इन्हें मशीन खरीदी तो सामान बनेगा बिकेगा, तो मशीन इन्वेस्टमेंट होती है मशीन खरीदना, लेकिन अगर घर के लिए खरीद ली जैसे किसी ने पर्सनल यूज़ के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं।
इन्वेस्टमेंट में भी MNCs कॉल्ड फॉरिजन इन्वेस्टमेंट, अगर देश के अंदर विदेश की कंपनी पैसा लगाती है, मल्टीनेशनल कंपनी कहीं भी, तो उसे फॉरिजन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बाहर के देश की इन्वेस्टमेंट, हाँ, बाहर की कंपनी आए हमारे देश में लगाए या हमारे देश का पैसा कहीं और लग रहा होगा तो फॉरिजन इन्वेस्टमेंट कहलाता है ये सब। इट इज़ मेड विद द होप डेट दिस एसेट विल अर्न प्रॉफिट, कोई भी कंपनी तभी पैसा लगाती है जैसे इससे प्रॉफिट का अंदाजा हो। जैसे पेटीएम एक सर्विस है, सर्विस प्रोवाइडर है, इसके अंदर कौन पैसा लगा रहा है, KFC का जो ओनर है वो पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो जो जो लोग इनमें पैसा लगाएंगे वो प्रॉफिट की वजह से सोच रहे होंगे, क्योंकि जो इंडिया में चल रहा है उसके हिसाब से उसके साथ चलेंगे बाहर के लोग। पेटीएम चल रहा है, उन्होंने कहा ये बिज़नेस आगे तक जाएगा इसका, तो इसके साथ जुड़ जाओ, क्योंकि जो रनिंग में कंपनी होती है उसी का नाम होता है, उसी का काम आगे बढ़ेगा और पैसा भी लोग उसी में लगाते हैं जिसका नाम चल रहा होता है। तो इस तरीके से कहते हैं लोग आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप करता है, जॉइंट में प्रोडक्शन खोल लेता है। मान लो किसी की छोटी सी फैक्ट्री है लेकिन ज़मीन बहुत बड़ी है या कुछ है, उसको लगता है इसका काम बहुत फेमस है, तो मल्टीनेशनल कंपनी ऑफर करती है कि आपको बिल्डिंग हम बनाएंगे, टेक्निक भी हम दे रहे हैं, मशीनें भी हम खरीदेंगे, बस आप हमारे साथ काम कर लो, या तो हमारे नाम से बेच लो या फिर जो भी है मिल के काम करते हैं। तो जॉइंट वेंचर्स होते हैं कंपनी के, तो ये इनको क्या है बेनिफिट होता है लोकल कंपनी को, क्योंकि वो जॉइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं और दो गुना हो जाता है काम, और कई बार कई गुना हो जाता है काम, क्योंकि छोटी कंपनी के साथ बड़ी कंपनी जुड़ गई, वो ऐड में पैसा खर्च देगी, बिल्डिंग स्टैंडर्ड की बना देगी, लोग बिल्कुल अच्छे से ड्रेसअप होंगे, मतलब रूल्स के हिसाब से काम करती है तो स्टैंडर्ड बना देती है पूरा, और लोगों को स्टैंडर्ड एक ब्रांड समझ आता है, स्टैंडर्ड इज़ ब्रांड एक तरीके का। MNC कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, मान लो छोटी ज़मीन में किसी के पास बड़ी बिल्डिंग या बहुत बड़ी कंपनी बनाने के लिए 1000 लोगों के लिए 10000 लोगों के लिए कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता, इतने पैसा नहीं है, MNC बना देती है, क्योंकि इनको लोन भी मिल जाता है, बाहर के लोग भी पैसा लगाते हैं इनमें, बिग बिजनेसमैन इनके साथ होते हैं और ख़ुद भी बहुत पैसा कमा के बैठी होती है MNC। तो यही है, सबसे पहले कहता है ये प्रोवाइड करते लोकल बिजनेस को, फ़ायदा क्या होगा। MNC का फ़ायदा ये होता है कि ये तो इन्वेस्टमेंट करती है मशीन बिल्डिंग वगैरह बनाने में ताकि प्रोडक्शन फास्ट हो जाए। दूसरा, MNC माइट ब्रिंग देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, MNC नई से नई टेक्नोलॉजी ला देती है कंपनी में काम करने के लिए। मोस्ट कॉमन रूट्स ऑफ MNC इन्वेस्टमेंट इज टू बाय लोकल कंपनी देन एक्सपेंड प्रोडक्शन, MNC का सबसे बढ़िया तरीका होता है ये, लोकल कंपनी के साथ पैसे मिला देती है अपने और प्रोडक्शन को काफ़ी गुना बढ़ा देती है। एग्जांपल के लिए MNC कहता है बहुत बड़े वेल्थ सेटअप करती है, कारगिल फूड था कहते हैं, और बहुत बड़ी अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी थी कारगिल फूड की। दे हैज़ बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज पारक, इन्होंने कुछ एक कंपनी थी इंडिया के अंदर पारक फूड की, पारक फूड का इंडिया में बहुत नाम था, तो इन MNC की नज़र इस पे थी कि भाई पारक फूड के साथ अगर हम जुड़ जाएं, क्योंकि इन्होंने मार्केट नेटवर्क बहुत बड़ा बना रखा था, तो बहुत ज़्यादा कस्टमर थे पारक फूड के नाम से ही खरीद लेते थे लोग सामान, तो वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में सामान बेचते हैं, तो इन्होंने कहा ऐसी कंपनी बहुत चल रही है, इस कंपनी से टाई अप कर लिया जाए, मतलब इनके साथ काम करा जाए। पारक फूड के पास कहते हैं 4 ऑयल रिफाइनरी थी, मतलब तेल का काम करते थे ये लोग, तेल बेचने का, तो 4 ऑयल रिफाइनरी इनकी खुद की थी, बट हुज कंट्रोल हैज़ नाउ शिफ्टेड टू कारगिल, कारगिल वालों ने कहा आप हमें हैंड ओवर कर दो, मतलब इसका कंट्रोल, हम सारी चीज़ें इसको और एडवांस बना देंगे, पैसा लगा देंगे, लोगों को एडवर्टाइज भी कर देंगे, नाम बदल जाएगा। अब कहते हैं कारगिल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल, इंडिया के अंदर कारगिल के नाम से वो कंपनी आगे बढ़ी, इन्होंने पैसा भी लगा दिया, स्टैंडर्ड भी हो गया, सब कुछ, लोगों को नौकरी भी रख ली, तो कारगिल नाम की कहते जो कंपनी थी वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गई। जैसे पैकिंग बदल जाती है, नाम बदल देते हैं कंपनी, अगर बड़े नाम पे सिंपल बदल देते हैं, तो इस तरीके से ये लोग करते हैं। फैक्ट, मैनी ऑफ द टॉप MNC है वेल्थ एक्सीडिंग एन एंटायर बजट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी का आने से फ़ायदा ही होता है छोटे बिजनेस को, ठीक है, एक्सपेंशन हो जाता है उनका और एनॉर्मस वेल्थ कमा लेते हैं लोग, इमेजिन द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ MNC। दूसरा, लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी इन डेवलपिंग कंट्री प्लेस ऑर्डर फॉर द प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर, बड़े बड़े MNC क्या करते हैं छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर बांट देती हैं। हाँ, जैसे गारमेंट्स हो गए, फुटवेयर हो गया, स्पोर्ट्स का सामान है, तो ये देखते हैं इंडिया के अंदर मान लो
कौन कौन सी कंपनी ये काम करती है, उनको कॉन्टैक्ट करके उनको अपनी क्वालिटी और डिज़ाइन बता देते हैं कि ये वाला मटेरियल हमें चाहिए, ये डिज़ाइन का चाहिए, ये वाली क्वालिटी का चाहिए। अगर वो बना सकते हैं तो उनके साथ बिजनेस आगे चलता है, फिर वो लोग उनका ऑर्डर जो होता है वो पूरा करके MNC को सामान दे देते हैं, वो लोग अपने नाम से उसको चेक करके क्वालिटी में होता है उसकी तो उसको बेच देते हैं। छोटे बिजनेस को फ़ायदा ये होगा कि उनका ऑर्डर जो है रेगुलर चलता है, सीधा सामान बनाया MNC को दे दिया, MNC जो होती है वो आगे बेचती है। मान लो जीन्स का काम है, जीन्स ब्लू और जो डिज़ाइन है कलर वलर बता देते हैं, वो उस कपड़े की क्वालिटी की जीन्स बना देते हैं, बना के सीधा ट्रक के ट्रक उनको बेच दिए। अब उन्होंने क्या करा, स्टैंपिंग करनी है, ब्रांड करनी है, पैकेजिंग करनी है, वो अपने नाम से बेच देंगे, चाहे लिवाइस हो कोई भी कंपनी हो। प्रोडक्शन आर सप्लाई टू MNC देन सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम टू कस्टमर। कहते हैं कि और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, अगर लोकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो अपने अपने नाम से बेचेंगे हम लोग अपना सामान, लेकिन MNC को अगर हम देते हैं तो हमारे वो ऑर्डर के लिए किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा सेल करने के लिए कि ये ले लो, कोई एडवर्टाइजमेंट और ये सब नहीं करनी पड़ेगी, बाकी काम वो खुद संभाल लेते हैं। MNC हैव ट्रीमेंडस पावर टू डिटरमाइन प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशन फॉर द डिस्टेंस प्रोड्यूसर। कहते हैं ये लेबर, डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट सब खुद संभाल लेते हैं, बस ऑर्डर इनको मिलना चाहिए, ये बाकी सारा काम खुद देख लेते हैं, उसी में ये अपना प्राइस जोड़ देते हैं, प्रॉफिट हमेशा कमाते हैं, खाली कभी नहीं जाती MNC। ये MNC आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन एंड इंटरेक्टिंग विद द लोकल प्रोड्यूसर इन वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब के अंदर कहते हैं MNC ही काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ मल्टीनेशनल हो गई हैं और एक देश से सामान खरीदा दूसरे में बेचा, कुछ इस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, प्रोडक्शन इन द वाइड डिस्प्रेड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंकिंग, अलग अलग दुनिया के कोने में बनने वाला सामान आपस में जुड़ गया है, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही सारा हो रहा है। अब जो टॉपिक आएगा वो फॉरिजन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स है। फॉरिजन ट्रेड का मतलब होता है पूरे विदेश के अंदर जो बिजनेस चलता है वो एक देश का, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट का मतलब होता है कि आपस में मार्केट्स का आपस में मिलना एक दूसरे का। जैसे हम कहीं मॉल जाते हैं, दुकान में जाते हैं, एक ही टेबल पे आपको हज़ारों तरीके के फ़ोन वगैरह, घड़ी, कपड़े जो भी खरीदने जाओगे उसके ब्रांड्स मिल जाएंगे, लोकल भी मिलेंगे और ब्रांडेड भी मिलेंगे, हाई ब्रांड लो ब्रांड हर देश का मिल जाएगा, जापान, चाइना, इधर उधर हर तरीके की कंट्री का सामान मिल जाएगा। फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉरिजन ट्रेड देर हैज़ बिन मेनी चैनल्स ऑफ कनेक्टिंग कंट्री, कंट्री को जोड़ने के लिए कहते हैं फॉरिजन ट्रेड होता था। फॉरिजन ट्रेड पहले जैसे पुराने ज़माने में जो पड़ोसी देश होते थे उसमें माउंटेन हिल्स इनको इनके थ्रू जाते थे लोग, रूट्स होते थे माउंटेन रूट्स वगैरह, सिल्क रूट वगैरह सुना होगा, तो वो सारी चीज़ें होती थी, सिल्क रूट्स में सिल्क का व्यापार होता था, साथ में मसाले, कपड़े, फिर धीरे धीरे कल्चर, बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज हो गई। एक्सटेंशन ऑफ ट्रेड कहते देयर इज बीन रूट्स इन प्रोडक्शन, यू वुड रिमेंबर दैट इट वाज ट्रेडिंग इंटरेस्ट विच अटैच द वेरियस ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी तो उन्होंने क्या करा था, ट्रेड करा था, बिजनेस करा, फिर उन्होंने देखा इंडिया के अंदर थोड़ी पावर कम है, यहाँ के लोगों को पॉलिटिक्स का ज़्यादा वो नहीं है, काम आता नहीं है और पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और यहाँ पर क्वालिटी बहुत है ज़मीन में, इनके अंदर मैन पावर है यहाँ पर, दूसरा यहाँ की ज़मीन में रिसोर्सेज बहुत हैं, तो उन्होंने कब्ज़ा ही कर लिया, धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन, अपने को इतना बड़ा कंपनी बना ली, फिर पैसे वाले हो गए, पॉलिटिक्स में आ गए, बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़ गए, धीरे धीरे डोमेस्टिक मार्केट को ही कंट्रोल में कर लिया, फिर नेशनल मार्केट को, फिर धीरे धीरे पूरे देश में कब्ज़ा कर लिया था। फॉरिजन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, ऐसा होता था। फॉरिजन ट्रेड से फ़ायदा क्या होता है, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है सबके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, कि अगर मेरा काम है कोई, मान लो कोई मिठाई का काम, और वो विदेशों में भी बिकने लग जाए देश के साथ साथ, तो मेरे लिए तो वो फॉरिजन ट्रेड हो गया और फ़ायदा ही होगा। मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्री के अलावा मेरा मार्केट ऑफ अदर कंट्रीज़ में भी गुड्स और सर्विसेज जा रही हैं। प्रोड्यूसर्स कैन सेल द प्रोड्यूस ऑन नॉट ओनली इन द मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट ऑल्सो कम्पीट इन द मार्केट इन देयर लोकल कंट्रीज, दूसरे देश के अंदर कहते हैं वहाँ भी हमारे मार्केट्स में हमारा प्रोडक्ट भी होगा। फॉरिजन ट्रेड
बायर्स को क्या फ़ायदा है, जो लोग कंज्यूमर्स होते हैं खरीदने वाले, उनको जाना नहीं पड़ेगा दूसरे देश में लेने के लिए सामान या सर्विसेज, उनको अपने ही देश में कई देशों के सामान मिल जाएंगे। यानी कंज्यूमर विल गेट ऑल द कंट्रीज प्रोडक्ट इन देयर ओन कंट्री इन द सिंगल मार्केट, ठीक है, एक ही मार्केट में उन्हें सब कुछ मिलेगा। तो इससे क्या एक्सपेंड होता है, चॉइस मिलेगी, कंज्यूमर हैव मल्टीपल चॉइस इन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। एग्जाम्पल के लिए चाइनीज टॉयज हैं इंडिया के अंदर, कहते हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इंडिया के अंदर खिलौने तो नहीं बनते थे, मतलब बनते थे तो लोकल कंपनीज बनाती थी इंडिया की, वो महंगी होती थी, चाइना के टॉय आए और भी सस्ते, तो लोगों ने क्या करा, यहाँ का प्रोडक्शन बंद करके वहाँ से सेल उठा ली कि वहीं से ला के यहाँ बेच देंगे, प्रॉफिट जोड़ देंगे। तो सस्ते में लाते महंगा बिक जाता है, थोड़ा प्रॉफिट बीच में रहता है, क्योंकि खुद बना के बेचेंगे तो चाइनीज टॉयज से कॉम्पिटिशन हो जाएगा। तुम्हारा बनने में और बेचने में मान लो 100 रुपये का खर्चा आ रहा है, तुम उसे 110 में बेचना चाहते हो, चाइनीज टॉयज 90 रुपये में किसी ने खोल दिए वही दुकान वही सामान, तो लोग वो खरीदने लग जाते हैं। तो लोग सोचते हैं हम भी क्यों प्रोडक्शन करें, मशीनें बंद करो, जो खर्चा हो रहा है वो लाने ले जाने पे कर देंगे और एक्स्ट्रा में बेच देंगे। इस तरीके से कहते हैं हाई प्राइस कॉम्पिटिशन हो जाता है। अगर दूसरे देश के बिज़नेस आते हैं तो प्राइस कॉम्पिटिशन मिलता है बायर्स को, कहते हैं ऑप्शन होता है बिटवीन इंडियन और चाइनीज टॉयज में, क्या वो इंडिया का चॉइस खरीदना है या चाइनीज टॉय खरीदना है, ये बायर के पास ऑप्शन आ गया, प्रोड्यूसर्स के पास कंपटीशन आ गया। और चीप प्राइस और न्यू डिज़ाइंस बनाते हैं चाइनीज टॉयज, कहते हैं वो थोड़े ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, इंडियन मार्केट्स को डिफीट करते हैं पीछे वो, और 70-80% कहते हैं दुकानों में सीधा का सीधा लोग चाइनीज टॉयज ही बेचने लगते हैं, और मेड इन चाइना के नाम से बहुत सारा सामान इंडिया में बिकता है। तो फ़र्क पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का। कभी कभी इसमें देखो नेगेटिव पॉइंट आ गया कि भाई दूसरे देश के बिज़नेस से कई बार अपने देश के लोकल बिज़नेस ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, क्योंकि इनकी सेल तो डाउन हो गई ना, क्योंकि दूसरे देश से के प्रोडक्ट से कंपटीशन हो गया, प्राइस में क्वालिटी में वो बराबर नहीं कर पा रहे, तो ये होता है। चाइनीज टॉयज़ कहते हैं इंडिया के अंदर आते हैं और कहते हैं कॉम्पटिशन में इंडियन और चाइनीज टॉयज़ में चाइनीज़ टॉयज़ बेटर नज़र आते हैं लोगों को, क्योंकि ज़्यादा सस्ते हैं, टूट भी गया तो दोबारा ले आएंगे। इंडियन के बायर्स क्या करते हैं, ये चॉइस ऑफ टॉयज एंड लोअर प्राइस। इंडिया के ख़रीदार भी ऐसे ही हैं, मतलब देश में लोग सस्ते में सस्ता और बढ़िया से बढ़िया ख़रीदना चाहते हैं, तो जब सस्ता तुम्हें मिल ही रहे तो चाहे क्वालिटी थोड़ी कम हो लोग सस्ता ख़रीद भी लेते हैं, खिलौने वगैरह ये सारी चीज़ें, क्योंकि उन्हें पता है फिर आ जाएगा। अपोजिट इज़ ट्रू इन द इंडियन टॉय मार्केट, दे फेस लॉस एज देयर टॉयज आर सेलिंग मच लेस, और अपने देश के लोकल बिजनेस को ये नुकसान हो रहा है कि वहाँ के टॉयज तो बिक रहे हैं, हमारे यहाँ के टॉयज का काम जो है वो थोड़ा सस्ता करके बेचना पड़ रहा है, और सस्ता करेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, इस वजह से भी कई बार नुकसान होता है। ओरिजिन ट्रेड रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्री। ओरिजिन ट्रेड के अंदर कहता है मार्केट्स के ऊपर फर्क पड़ता है, मार्केट इंटीग्रेट हो जाती है, आपस में सभी देशों की मार्केट्स आपस में जुड़ जाती है, एक ही जगह पे कई सारे सामान मिलेंगे। ऑल द प्रोड्यूसर्स इन टू कंट्रीज नाउ क्लोजली कंपेयर अगेंस्ट ईच अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। दो प्रोड्यूसर्स का सामान एक ही मार्केट में आया हुआ है, मान लो जापान का कोई फ़ोन आया हुआ है यहाँ पर और चाइना का कोई आया हुआ है, अमेरिका का आया हुआ है, तो इंडिया की एक ही मार्केट में एक दुकान के अंदर वो तीनों रखे हुए हैं, वो प्रोड्यूसर्स तो नहीं आए यहाँ पर लेकिन उनका प्रोडक्ट कंपटीशन में एक साथ रखा हुआ है, तो अलग अलग कंट्री में होने के बाद भी लोगों के बीच में कंपटीशन हो जाता है आपस में ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है। तो इसकी मेन डिफाइन बनती है ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। MNC प्ले ए मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंट्रीज़ के बीच में इंटरकनेक्शन हो जाता है मार्केट्स में। मल्टीनेशनल कंपनी इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को चलाने में मेन रोल प्ले करती है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज कहते हैं और इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है ये, और कंट्रीज़ के बीच में बिजनेस बढ़ाती है और डेवलपमेंट बढ़ाती है। मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर देन द फ्यू डेकेड्स बैक। ग्लोबलाइजेशन पहले नहीं था, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बदली तो ग्लोबलाइजेशन हो गया और परमिशंस मिल गई कुछ देश को आपस में बिजनेस करने की, टैक्स जो थे कम कर दिए गए थोड़े बहुत, एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की परमिशन खोल दी गई,
तो ग्लोबलाइजेशन में था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई देश आपस में कॉन्टैक्ट में आ गए हैं। बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, कहते हैं देयर आर वन मोर वे इन विच कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। आज के टाइम में कंट्रीज हर तरीके से कनेक्ट होती है। दो द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज, पीपल हैव यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम। ग्लोबलाइजेशन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इससे लोग एक दूसरे के देशों में जाने का मौका मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लोगों को। बेटर जॉब्स के लिए लोग एक दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, बेटर एजुकेशन के लिए भी कंट्रीज़ में जा सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन देना भी एक बिज़नेस हो गया है, सर्विस है ये। दूसरे देश की यूनिवर्सिटी में जाके लोग MBA वगैरह पढ़ के आते हैं, बाहर के देशों में कोर्स करते हैं, बाहर के लोग यहाँ आके पढ़ रहे हैं इंडिया की दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में। तो इस तरीके से कहते हैं ये काफ़ी कुछ मदद करता है।